तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आपके सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रेय वाईटी के बारे में। पता होगा कि श्रेय वाईटी जो चैनल है वो फ्री फायर इंडियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है। सो गाइस, रिसेंटली इनके चैनल पर आ चुकी हैं 3 कॉपीराइट स्ट्राइक। तो गाइस, ये बात है 16 नवम्बर को सुबह के 6:30 बजे स्ट्राइक किसने की, ये बात तो किसी को नहीं पता। तो गाइस, जो कुछ ढूंढने के बाद जो थोड़ा बहुत पता चला है उसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, श्री भाई ने शाम को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो रोते हुए बता रहे थे कि उनके चैनल पर स्ट्राइक आई है। सो गाइस, उसी में कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने कमेंट। सो गाइस, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्काई लॉर्ड ने डायरेक्ट बिना कुछ प्रूफ के सीधा लिख दिया ज्ञान गेमिंग, जिसके कारण ये कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है। पूरी ऑडियंस को गुस्सा आने लगा, वो लोग ज्ञान गेमिंग को गालियां देने लगे। सो गाइस, उसके बाद स्काई लॉर्ड ने जब अपने स्ट्रीम पर श्रेय वाईटी के साथ बात की तो उसकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि मैं आपको आज अभी सुनाऊंगा। देख रहे हैं अगर आप मेरे चैनल को। अरे जोर से बोल भाई। अरे भाई अभी जोर। हाँ, अब ठीक है, अब रुक जाओ, ओबीएस की आवाज बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, बोल। तो आप में जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं आपको पता होगा कि मैं गेम का नाम ज्ञान से रखा हूँ, ठीक है, एंड 7 महीने से मैंने ये रखा है, मैंने चेंज नहीं करा कभी। तो कुछ दिनों पहले मेरे को क्या बोलते हैं कॉल आया, बोलते हैं कि अपने चैनल का नाम चेंज कर ले, ठीक है। तो मैंने सिंपली बोला कि नहीं, चैनल का नाम तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ गेम का मैं परमानेंट रखूंगा, चैनल का नाम चेंज नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरा कोई नॉर्मल ये नहीं है ना कि मैं ट्यूशन फिक्स देता हूँ बैठ के, या फिर बक्स देता हूँ, या फिर कुछ भी टूर्नामेंट का, मैं ये सब नहीं बताता, मैं न्यूज़ देता हूँ। अब मान लो अगर मैं कोई भी अज्जू भाई के सब्सक्राइबर है, किसी के सब्सक्राइबर है, तो वो मुझसे पूछेंगे कि भाई तेरे न्यूज़ चैनल तूने ये क्यों रखा, तो वो तो बोलेंगे ना कि मतलब तू तो एक ही साइड का न्यूज़ देगा, इसका वो नहीं देगा, मतलब समझ रहे हो, तो मतलब दोनों तरफ से बात नहीं करेगा, एक ही तरफ से एक एक साइड को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ मना कर दिया कि नहीं, चैनल का नाम तो चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपली बोलते हैं कि चैनल नाम चेंज नहीं कर पाएगा तो तू गिल्ड छोड़ दे। तो मैं फिर ये बोला कि भाई गिल्ड छोड़ने का वैसे कोई सीन नहीं है, मतलब मैं गेम में तो सपोर्ट करूंगा हमेशा, सब ठीक है, मैं ऐसे भी किसी से कॉन्ट्रोवर्सी का झगड़ा करता नहीं, अपने मैं चैनल का भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी वाला वीडियो नहीं देखा होगा, श्रेय रिप्लाइंग टू दिस दिस एबीसीडी, मैंने वही बोला। तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं वो सब मैं नहीं जानता, तो सिंपल गिल्ड छोड़ दे। तो मैं क्या कर सकता था बताओ, पूरा प्रेशर डाला गया मेरे पे कि नहीं तो तू क्या चैनल नेम चेंज कर, नहीं तो गिल्ड से तेको हटा दिया जाएगा, या फिर खुद छोड़ दे। तो मैंने फिर लास्ट में ये सोचा कि मैं खुद छोड़ दूंगा। फिर आज सुबह 6:30 बजे मैं जब सो रहा था तो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा। अब कितना पड़ा, अब जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बता देता हूँ, मेरे को टोटल 3 स्ट्राइक पड़ा है, मेरे यूट्यूब स्टूडियो में को 3 दिखा रहा है, बट मेरे को मेल आया है 2 का। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ, अगर एक और आया, अब वो एक क्यों नहीं आता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस होगा, वैसा कुछ सिस्टम होगा उसका, वो जीएसके को पूछो, उसको ज्यादा पता है स्ट्राइक के बारे में। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ तो वो चैनल डिलीटेशन मोड पे तेरा अभी डिलीट हो जाएगा फिर कुछ दिन में। तो गाइस, ये जो भी बात हुई वो सब पूरी ज्ञान भाई के ऊपर आ गई। ज्ञान भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी, बट ज्ञान भाई का नाम इसके में बीच में आया, जिसके कारण ज्ञान भाई बहुत नाराज हो गए। वो अचानक लाइव आए, उन्होंने लाइव पर अपना प्रूफ बताया, अपने मेल को चेक कराया। मैं क्लिप बताने वाला हूँ आपको, उन्होंने जो अपने लाइव में बोला, तो अगर आपको पूरी क्लिप देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके गाइस, पहले प्रूफ, और ना मैं किसी को बोला कॉपीराइट देने के लिए। दूसरा बात, तुम लोग मेरा सब्सक्राइब होके मेरे को बोल रहे हो चैट में जाके ज्ञान भाई जस्टिफाई, ज्ञान भाई को रेप को, ज्ञान भाई को सब्सक्राइब करो, ज्ञान भाई मैं ये भाई ज्ञान भाई हुए भाई, मैं खुद जो कॉपीराइट पढ़ते रहे, मैं खुद सामने आता हूं सबसे पहले, सो कॉपीराइट पढ़ता है गाइस, ओके ये बात जान लो आप लोग। सबसे पहले आज ज्ञान भाई 900 गाइस, मुझे पता, मैं अभी दौड़ के आया रोज, पता है मुझे दौड़ के आया, मेरा बाइक पता कितने में चला मैंने पहली बार, 120 में चला मैंने, 120 130 में चलाया अरुण भाई, मजाक कर रहे तुम लोग यार। आपके बोल रहे हो ऐसे बात है, उसको बोला जैसे बात है यार, मेरे को क्या बोलू यार, 120 में चले मैंने, 120
अच्छा यार गाइस क्या यार भाई यानी इको अरे क्यों आ रहे समझ रहे हैं आप लोगों को बस गाइस इतना खराब लग रहा मुझे गाइस खराब लगे क्या मैंने को गाइस मैंने नहीं दिया मैंने कॉपीराइट नहीं दिया गाइस आप लोग बिजनेस कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो गाइस बाकी आप लोगों की मर्जी 17 कितना है 17 2% ज्ञान भाई ने जो भी अपनी क्लिप दिखाई अपना प्रूफ दिखाया उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ज्ञान भाई को भी 2 स्ट्राइक आई हुई है। सो गाइस अब मैं आपको और प्रूफ दिखाता हूँ, आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसमें ज्ञान भाई का नियम आ रहा है कि ज्ञान भाई ने स्ट्राइक दी है। हाँ ज्ञान भाई ने एक स्ट्राइक दी है लेकिन वो उस स्ट्राइक को वापस ले लेंगे, वो उन्होंने नहीं दी उसके मैनेजर ने दी है, तो इसकी ज्ञान भाई में कोई गलती नहीं है। लेकिन सभी की सभी पूरी ऑडियंस जाके ज्ञान भाई को हिट कर रही थी इसलिए ज्ञान भाई को ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने इस बात पर अमित भाई को भी गाली दी, बाकी उन्होंने अमित भाई को गाली क्यों दी इस चीज़ का वो रीज़न बाद में बता देंगे, उसकी न्यूज़ मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ प्रूफ बता रहा हूँ जो कुछ स्क्रीनशॉट मिले हुए हैं जिससे पता चलता है कि ज्ञान भाई ने स्ट्राइक दी थी। अब जो भी फेक स्क्रीनशॉट हों मेरे को तो लगता है वो स्क्रीनशॉट फेक हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो भी मतलब जो स्ट्राइक देता है अगर वो जिसका भी नेम लिख देगा ना उसके नाम से स्ट्राइक जाएगी, अगर वो मेरा नेम लिख देगा एवेंचर गेमिंग तो मेरे नेम से स्ट्राइक जाएगी उसे। तो भाई श्रेय भाई ने ये कुछ अपना इमोशनल पोस्ट एक अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला जिससे सभी क्रिएटर उनकी साइड हो गए, सभी लोग उनको सपोर्ट करने के कहने लगे। तो भाई उसका भी स्क्रीनशॉट है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ और भाई ये सब कुछ सब फेक था। श्रेय भाई अपने चैनल की ग्रोथ करना चाहते थे इसलिए उन्होंने यह सब कुछ किया। सो गाइस श्रेय का कहना है कि उसके लिए 3 स्ट्राइक आई लेकिन उसके क्रोम मतलब उसकी यूट्यूब स्टूडियो पे सिर्फ 2 स्ट्राइक बता रही हैं। सो गाइस अगर किसी को 3 स्ट्राइक आई होंगी तो उसके चैनल पर बिल्कुल मतलब फ्रीज हो जाता है, वो क्रिएटर ना तो कोई वीडियो अपलोड कर सकता है ना कि वो स्ट्रीम कर सकता है क्योंकि ये एक यूट्यूब की पॉलिसी होती है। बट श्रेय ने ये वीडियो अपलोड कहाँ से किया, जब उसके लिए 3 स्ट्राइक आई तो वो वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन उससे चला जाता है लेकिन उसने अपलोड कहाँ से किया, ये कुछ सवाल हैं जो कि श्रेय को गलत बताते हैं। यहाँ पर ज्ञान भाई की गलती ना होते हुए भी ज्ञान भाई को बहुत ज़्यादा हेट मिला। गाइस और प्रूफ दिखाता हूँ आपको, और प्रूफ देखना ना, मैं अभी और प्रूफ दिखाता हूँ आपको देखो, क्योंकि गाइस जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक किसी को गलत साबित नहीं किया जा सकता। सो गाइस ज्ञान भाई के पास ये एक मौका था, वो स्ट्राइक दे सकते थे, क्यों, क्योंकि अभी भी वो स्ट्राइक दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि श्रेय वाईटी के चैनल पर ज्ञान भाई और रजिस्टार की वीडियो डली है लेकिन ज्ञान भाई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो श्रेय के अच्छे दोस्त थे। लेकिन श्रेय उनको गलत समझा, उसने श्रेय ने स्काईलाइट को डायरेक्ट कॉल किया जबकि उसको ज्ञान को कॉल करना चाहिए था, ज्ञान भाई को गलत साबित करना चाहता था वो। श्रेय ने कुछ ज़्यादा इमोशनल ड्रामा कर दिया जिस वजह से ना सभी यूट्यूबर उसकी साइड हो गए। गाइस ज्ञान भाई के नाम पर ही श्रेय वाईटी ज़्यादा ग्रो हुआ, पहले श्रेय का नाम था ज्ञान श्रेय लेकिन ये ज्ञान भाई की वीडियो और रजिस्टर की क्लिप को अपने चैनल पर डालता था उससे इसने अपने 400-500 सब्सक्राइबर गेन किए थे, उसके बाद ये फिर ग्रो हुआ तो उसने फिर न्यूज़ का चैनल अपना स्टार्ट किया था। ज्ञान भाई इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए, उनके लिए भी बहुत बुरा लगा कि उनका इतना अच्छा दोस्त है बट उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया, मतलब भरोसा करना रह ही नहीं गया। और उस दिन हम जाने जो भरोसे वाले होते हैं ना वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। ओ भाई सॉरी कल से क्लिप लग गई। तो गाइस इस वीडियो में मेरा किसी को भी कोई गाली देने का इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी किस वजह से चालू हुई थी। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, आई होप तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। गाइस अगर इस कंट्रोवर्सी से कोई रिलेटेड कोई और न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर बताऊंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, हमारे साथ बने रहिए, बाय बाय बाय। सो गाइस इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना क्योंकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये वीडियो बनी किस वजह से, मतलब और यूट्यूबर ने इतने सारे सभी ने वीडियो बना के रखी, सब ने यूट्यूब पर छाप दी वीडियो लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं, उसमें मतलब एक ही जो सब ने बोला वही चीज़ उसी में बताती गई, मतलब एक दूसरे की कॉपी सी वीडियो थी, किसी को फुल मैटर नहीं पता था इसलिए ये कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी। सो गाइस बस मेरा यही कहना है कि सभी को सही जानकारी मिलनी चाहिए इसलिए वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा।